अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में 10th क्लास SSC के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस के साथ बता रहा हूं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह कल के एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। कोड नंबर 211 है, 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप ये क्वेश्चंस ज़रूर टिक कर लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपके पास रीडर है तो अच्छी बात है, वरना स्टडी मटेरियल है तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नेम ऑफ द चैप्टर है, मॉड्यूल 1 में 7 है, मॉड्यूल 2 में भी 6 है, ठीक है। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम शेड्यूल बोल के देखिए, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो यहाँ पे बता देता हूँ, मॉड्यूल 1 में आ जाता है, फर्स्ट चैप्टर आ जाता है मैथ्स का, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, फर्स्ट नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको जो है ट्यूशन में बता दिया था, जो मेरे पास ट्यूशन लिए थे उन लोग को बता दिया था मैं, और ऑनलाइन जो मेरे पास स्टडी करे थे उन लोगों को भी समझा दिया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम है आप लोगों का। सिर्फ इंपॉर्टेंट बताने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बता के जो है समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इंपॉर्टेंट पूरा एक एक सम बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ना ही आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कई प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस कर लेके रेडी है। सिर्फ आप लोग जो है इंपॉर्टेंट के लिए वेट कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे वीडियो से इंपॉर्टेंट ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे और कल के एग्ज़ाम में ज़रूर लिख देंगे। तो यहाँ पर हर चैप्टर के बाद मैं टर्मिनल एक्सरसाइज से ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं, फर्स्ट वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड पिक आउट रूट 2 माइनस 2 17 18 बाई 7 माइनस 59 बाई 8 0.013। ये जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए फर्स्ट वाला। उसके बाद फोर्थ वन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत ईजी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन प्रैक्टिस कर लीजिए और थर्ड वन प्रैक्टिस कर लीजिए और फोर्थ वाला भी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद सिक्स्थ वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 13 अप टू 4 डिसिमल प्लेसेस। उसके बाद सेवन्थ वन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, सेवन्थ और एट्थ वाला काफ़ी बार पूछा गया है। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल, ये भी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद नाइन्थ वन शो दैट 5 रूट बाई 7 इज एन इरेशनल, ये भी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ट्वेल्थ में आ जाते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन पी बाई क्यू फॉर्म, इसमें आपको थर्ड वन प्रैक्टिस कर लेना है और सेकेंड वन प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद देखिए फिफ्टींथ बीट में आ जाते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में आपको फोर्थ वन प्रैक्टिस कर लीजिए और फर्स्ट वन प्रैक्टिस कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूरे प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग भी है, आंसर्स भी है यहाँ पे, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स में। बिजनेस मैथमेटिक्स भी की भी हम लास्ट टर्मिनल क्वेश्चंस में से आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, वही आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया था हमारे ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मेरे पास ट्यूशन लिए थे और ऑफलाइन ट्यूशन लिए थे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक करके आपको प्रॉब्लम में जो है ट्यूशन में ज़रूर समझाया था। तो आप लोग जो है ज़रूर ये भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मैं आपको नहीं दिया था, सिर्फ प्रैक्टिस कराया था सम एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता दे रहा हूँ। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब के अलावा वो भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए ये प्रॉब्लम्स। यहाँ पे देखिए टर्मिनल एक्सरसाइज में आपको सेकंड वन प्रैक्टिस कर लीजिए, टू पम्प्स। उसके बाद फिफ्थ वन, आ ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो है एट्थ वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, देर विल बी 10% लॉस इफ राइस। उसके बाद टेंथ वन, वाइल सेलिंग ए वॉच ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5%। उसके बाद थर्टींथ वन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वन, थर्ड चैप्टर में आ जाते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं। यही इसमें भी आपको लास्ट में टर्मिनल एक्सरसाइज बोल के बिट आती है, एवरी हर चैप्टर के बाद जो है आपको पूरा टर्मिनल एक्सरसाइज दिया जाता है, और वो टर्मिनल एक्सरसाइज जो है इंटेक्स क्वेश्चंस के इंक्लूड होता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए सर, इंटेक्स क्वेश्चंस आप क्यों नहीं बोल रहे, तो इंटेक्स क्वेश्चन भी जो है उसमें इंक्लूडेड है, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। यहाँ पे एग्जांपल प्रॉब्लम बताया गया है, देखिए 36 और 37 वाला, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर 2x + 3, ये भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x - 7, इसमें भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम टर्मिनल एक्सरसाइज में आपको लेके चलते हैं लास्ट में, वहां से आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे इस चैप्टर के।
जी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओके 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 राइट जी। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल एक्सरसाइज टू बोल के यहाँ पे आ गई है। इसमें आपको जो है फर्स्ट वन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड पी वन पी जीरो पी माइनस टू में थर्ड वन और फर्स्ट वन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, सेकंड वाला जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस ए इज ट्वेल्व फॉर एक्स इजिकल्स टू 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 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। फोर्थ वाला प्रैक्टिस कर लीजिए इफ पी एक्स इजिकल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रूट थ्री एक्स प्लस फाइव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फाइव रूट बाई थ्री रूट थ्री ओके। उसके बाद फिफ्थ वाला जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोस। इसमें से कोई एक जरूर आता है एग्जाम में, तो आप ये तीनों भी प्रैक्टिस कर लिए तो बेहतर रहता है। फर्स्ट वन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द सिक्स्थ वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फिफ्टी इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री द रिमाइंडर इज 62 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें नाइन्थ वाले में बाई यूजिंग फैक्टर थियोरम चेक वेदर क्यू एक्स इज ए फैक्टर पी एक्स और नॉट, सेकेंड वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद थर्टींथ वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, डिवाइड द पॉलिनोमियल। उसके बाद फिफ्टींथ बिट में देखिए सेकेंड और थर्ड प्रैक्टिस कर लीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रेस्पेक्टिवली। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में चले जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस में चले जाते हैं। इसमें भी हमको टर्मिनल क्वेश्चंस निकाल लेना है, लास्ट के टर्मिनल क्वेश्चंस जो आते हैं उसी में से आपको स्टडी करना है, उसी में से आपको प्रैक्टिस करके जो है अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। मैथमेटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं वो पूरे इंक्लूडेड है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के, बिल्कुल भी परेशान मत होइए आप लोग। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस में आपको सेकंड वन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और थर्ड वन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद सेकंड में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट वन सेकंड वन और फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है। उसमें थर्ड बीट में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस में भी लास्ट वन इंपॉर्टेंट है फोर्थ वन। उसके बाद देखिए एट्थ वाला ये टोटल ऑफ रुपीज 3000 प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद नाइन्थ वन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड वो वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी भी हम टर्मिनल एक्सरसाइज निकाल लेते हैं। टर्मिनल एक्सरसाइज में फर्स्ट वाले में देखिए थर्ड वन प्रैक्टिस कर लीजिए और सिक्स्थ वन प्रैक्टिस कर लीजिए, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड बीट में से भी पूछा जा सकता है, थर्ड वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, थर्ड वन और फर्स्ट वन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद थर्ड बीट में सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूले में सेकेंड वाला प्रैक्टिस कर लीजिए और थर्ड वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेवेंथ वाले में सेकेंड और फोर्थ प्रैक्टिस कर लीजिए, स्टेट द नेचर ऑफ द रूट्स। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर में आ जाते हैं प्रोग्रेशंस, प्रोग्रेशंस में देखिए फर्स्ट वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद थर्ड वन प्रैक्टिस कर लीजिए, फाइंड द टेंथ एटीनथ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी। उसके बाद फोर्थ वन व्हाट विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माइनस वन थ्री कॉमा ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर सेवेंथ चैप्टर ट्रायंगल्स में आ जाते हैं। इसमें देखिए ट्रायंगल्स में फर्स्ट वन प्रैक्टिस कर लीजिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 7.0 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर एंड एसी इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिफ्थ वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल्स टू 6.2 सेंटीमीटर, ट्रायंगल बी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, ट्रायंगल सी इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। एट्थ वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 5.6 सेंटीमीटर।
उसके बाद 11th वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है देखिए। उसके बाद 8th चैप्टर में आ जाते हैं सर्कल्स, सर्कल्स में देखिए सेकेंड वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। इन एन एडजेसेंट फिगर ए सी बार ए बी डी आर डायमीटर्स शो दैट ए डी बार इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये वाला। उसके बाद 4th वन, इन एन एडजेसेंट फिगर जीरो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 9th चैप्टर में आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, टर्मिनल एक्सरसाइज ही निकालना पड़ेगा हमको, टर्मिनल एक्सरसाइज से आपको बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी एक दो देखिए, इम्पोर्टेंट है रहती है ये। एग्जाम्पल 19 वाला एक प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी इज इक्वल्स टू -4/5 13/5 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए -1.4 एंड बी 0-3 इंटरनली। फर्स्ट वन प्रैक्टिस कर लीजिए, 4th वन, 6th वन प्रैक्टिस कर लीजिए, ये वाला। 10th चैप्टर में आ जाते हैं मेंसुरेशन, एग्जाम्पल 5 प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम्पल 6 भी प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम्पल 9 भी प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम्पल 10 भी प्रैक्टिस कर लीजिए। के बाद टर्मिनल क्वेश्चंस में चले जाते हैं। सेकेंड वन प्रैक्टिस कर लीजिए 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, 5th वन ए सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस, 8th वाला ए 20 मीटर डीप वॉल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग तो पूरे प्रैक्टिस कर लेना है आपको। 11th चैप्टर में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट वन, थर्ड वन, 7th वन, 8th वन प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 12th चैप्टर में आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स, फिफ्थ वन और 6th वन प्रैक्टिस कर लीजिए और 10th वन प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद टर्मिनल टू एक्सरसाइज में 1st वन प्रैक्टिस कर लीजिए, 3rd वन प्रैक्टिस कर लीजिए, 5th वन प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर 13th चैप्टर में आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वन प्रैक्टिस कर लीजिए,
11th वन प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉडल पेपर देख लेंगे एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन का, टॉस के स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क्स का पेपर आता है। देखिए ऐसे ही आता है, पार्ट ए 75 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन वन यहाँ पे देख लीजिए, 5 3s 15 मार्क्स, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस लिखना है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सेक्शन सेकंड भी देख लीजिए, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 5 3s 15 मार्क्स। सेक्शन थर्ड देख लीजिए, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आपको करना है, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, 4 5s 20 मार्क्स। सेक्शन फोर देख लीजिए, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, 4 5s 20 मार्क्स। सेक्शन फिफ्थ देख लीजिए, आंसर एनी 1 क्वेश्चन करना है आपको, 5 मार्क्स में करना है, दोनों में से एक करना है। पार्ट बी 25 मार्क्स का रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर करना है आपको, 4 में से एक सही करना है। उसके बाद जो है ये जो चूज द करेक्ट आंसर है ये 10 मार्क्स में आ गया है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी 10 मार्क्स में आपको करना है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स में करना है, ठीक है। तो ये पेपर आपका मैथ्स का एसएससी का बता दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कोई भी चीज़ का डाउट है तो ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो को दूसरे दोस्तों को, ग्रुप को भी ज़रूर शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट फॉर द मैथमेटिक्स एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।